हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी छोले की दो तरह की रेसिपी और कुलचे। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुलचे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। आप मैदे की जगह आटा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने सोडा लिया है। स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। दो चम्मच छोटे चम्मच में घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हो। और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लेते हैं। हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं रखना है, नरम आटा ही गूंथना है। अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा, सॉरी मैं दही डालना पहले भूल गई थी। आप घी डालने के बाद दही डाल सकते हो, लेकिन मैं पहले भूल गई थी इसीलिए अभी डाल रही हूँ। और अच्छी तरीके से हम आटे को लगा लेंगे। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से आटे को हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने छोले तैयार कर लेते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, और कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल देते हैं। और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच में धनिया पाउडर डाल देती हूँ। एक चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। आप सूखे मसाले अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। छोटी सी चम्मच, आधी चम्मच में काली मिर्च पाउडर लिया हूँ भुना हुआ। आधी चम्मच ही मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। और हम छोला मसाला डाल देते हैं। अगर आपके पास छोला मसाला नहीं हो तो आप कोई भी गर्म मसाला डाल सकते हो। और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे मसालों को। कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। आधा चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास में काला नमक नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। वो डेली खाने में डालते हैं वही डाल देना। आधा चम्मच ही मैंने व्हाइट नमक लिया है। और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। तीन आलू को उबाल के मैंने थोड़ा सा मैश करके ले लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। चनों को मैंने रात भर के भिगो के 4 सीटी लगा लिया है कुकर में। वो चने डाल देते हैं। चनों को भी मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम इमली का पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं इमली का पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली नहीं हो तो आप गैस बंद करने के बाद में नींबू का रस भी डाल सकते हो। और हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। छोले मसाले बनके हमारे तैयार हो गए हैं। कुलचे का आटा हम चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखिए अच्छी तरीके से आटा हमारा फूल गया है। अब अच्छी तरीके से हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से चलिए कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आटे की एक लोई लेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी लोई नहीं लेना है, मीडियम लेना है। इस तरीके से मैं दो लोई बना ले रही हूँ। अब हम एक चकला लेंगे और इसको बेलेंगे। सूखा आटा भी नहीं लगाएंगे और तेल भी नहीं लगाऊंगी, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम बेलेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो, गोल या फिर ऐसे जैसे मैं बेल रही हूँ वैसे, कोई भी शेप देके बना सकते हो। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरीके से देखें, अब
अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कुलचे को हम डालेंगे और साइडों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगाएंगे, क्योंकि पानी से ही हमारा कुलचा अच्छा बनेगा। पानी के भाप से ये देखिए अच्छे से फूल गया है। अब इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और पलट के सेकेंगे। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप घी के जगह तेल भी लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो। और अच्छे तरीके से दोनों तरफ हम सेक लेते हैं। अब हम दूसरा मसाला कुलचा तैयार करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से सिक गया है। दूसरा कुलचा तैयार कर लेते हैं। उसको भी हम अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हो। यहाँ पे मेरे कुलचा बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पे कलौंजी डालेंगे। आप काले तिल भी ले सकते हो। थोड़ा सा घी लगाएंगे और कलौंजी डाल देती हूँ मैं। अगर आपके पास कलौंजी नहीं हो तो आप काले तिल ले लेना। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और बेलन से अच्छी तरीके से चलाएंगे हम इस तरीके से। और इसको भी हम सेक लेते हैं। थोड़ा सा फिर से हम साइडों में पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देते हैं और अच्छे तरीके से फूलने देना है। ये देखिए ये भी हमारा कुलचा कितने अच्छे से फूल गया है। दूसरी तरफ हम सेकेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। दोनों तरफ घी लगा के अच्छे से सेक लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कुलचा बना है हमारा। आप इस तरीके से घर पे भी आसानी से कुलचे बाज़ार के जैसे बना सकते हो, बहुत ही कम सामान के साथ में। ये देखिए दूसरा कुलचा भी बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरी रेसिपी छोले की देख लेते हैं। उसके लिए मैंने एक आलू लिया है उबला हुआ, उसको हम मैश करेंगे। मैश किए हुए हम छोले लेंगे। कटे हुए टमाटर, इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाल दी है। कटे हुए प्याज, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं और काला नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा वाइट नमक। छोला मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इमली का रस डाल दिया है मैंने। आप इमली की जगह नींबू भी ले सकते हो। कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं और अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स कर देते हैं। ये बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। आप इस तरीके से भी छोले बना सकते हो कुलचे के साथ में। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर